हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास है ग्रैंड i10। तो इस ग्रैंड i10 का आपको ए टू जेड सब कुछ पता चलेगा। हमारे पास 2016 मॉडल भी है, 2017 मॉडल भी है। ये दिसंबर 2016 का है और ये अगस्त 2017 है। दोनों के अंदर क्या चेंजेस हैं ये आपको पता चलेंगे। एक पेट्रोल है, एक पेट्रोल प्लस CNG है। क्या प्राइस है इनका और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। ये मैग्ना मॉडल है और ये स्पोर्ट्स मॉडल है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स किस मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। ये मैग्ना मॉडल है और जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये ग्रिल आता था, ये नॉर्मल है अभी फिलहाल। ये फॉग लाइट्स इसमें इतने बड़े, मतलब पूरे उसमें सर्कल क्रोम के साथ फिनिश है इनकी। ये सामने से लुक था 2016 मॉडल का। 2017 में ये ग्रिल और फॉग लाइट्स का ही चेंज हुआ है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैश ग्रिल है, शायद से मैश ग्रिल बोलते हैं इसको। एंड ये फॉग लाइट्स के साथ एक चेंज है कि फॉग लाइट्स में अब सर्कल्ड क्रोम नहीं है, यहाँ पे सर्कल्ड क्रोम है। यहाँ पे सर्कल के साथ क्रोम नहीं है, यहाँ पे साइड में क्रोम दिया गया है। ये स्पोर्ट्स मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो क्रोम है यहाँ पे, अगर आप स्पोर्ट्स ऑप्शनल या फिर टॉप मॉडल पे जाओगे एस्ता पे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे DRL मिलेंगी। ये वो वाली स्पेस है, यहाँ पे क्रोम है, लेकिन इसके ऊपर के मॉडल्स में यहाँ पे आपको DRL मिलेंगी। ये इसका ग्रिल जो है पूरा ये डिफरेंट है पहले वाली ग्रैंड i10 से। एंड इसके बाद सामने से देखने पर और कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा बस डिज़ाइन में ये जो बम्पर का जो डिज़ाइन है उसके, मतलब जो कट्स हैं और वो सब हैं उसमें हल्का सा चेंजेस है, बाकी कुछ ऐसा चेंज नहीं है। अब हम इसके बाद में इसकी बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, जहाँ पे चेंज है थोड़ा बहुत। ये 2016 मॉडल की बैक प्रोफाइल है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा वाइट है बम्पर भी, और ये रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे नॉर्मली ऐसे दे रखे हैं। नई वाली 2017 ग्रैंड i10 में वो थोड़े चेंजेस हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, ये 2017 मॉडल का बैक प्रोफाइल है। जैसे कि देख सकते हैं 2016 में जैसे पूरा ऑल वाइट बम्पर आता था, इसमें ऑल वाइट नहीं है। यहाँ पे ये पूरा ब्लैक से इन्होंने इसको कवर करके स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी है, और साथ में इसके रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे बड़े और सर्कल में कर दिए हैं, बहुत ही काफ़ी बड़े कर दिए हैं पहले वाले से। और ये थोड़ा सा इसको स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी गई है। ये पेट्रोल प्लस CNG मॉडल है, तो इस वजह से पीछे जो CNG किट लगी हुई है उस वजह से जो बूट स्पेस है पूरा वो कवर हो जाता है। तो देखिए, अगर आप कंपनी से, मतलब शोरूम से अगर आप CNG फिट करवा के लेंगे तो कैसी CNG मिलती है वो आपको इसमें दिखेगी अभी, और मतलब कितनी स्पेस उसमें बचती है कि नहीं बचती बूट में। तो ये इसका बूट है। ये सिलेंडर शोरूम से कंपनी फिटेड, मतलब जो बोलते हैं शोरूम फिटेड जो होता है, शोरूम वालों को पैसे दे के उन्हीं से फिट करवाया है। तो ये सिलेंडर पूरी स्पेस ले चुका है, काफ़ी मतलब बहुत ही हल्की सी स्पेस बची हुई है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ सामान रखना चाहो छोटा मोटा वो आ सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बाकी इसका बूट काफ़ी ठीक है, मतलब नॉर्मल हैचबैक की तरह तो ठीक है। अगर आप CNG नहीं लेते हैं तो आप अपने मतलब सूटकेस वगैरह रख सकते हैं, एक सूटकेस आ जाएगा बड़ा और फिर छोटे मोटे और सब आ जाएंगे। तो ये बंद करके अब हम अंदर देखते हैं दोनों में। तो ये स्पोर्ट्स का, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, ये इसके इंटीरियर्स हैं। 2017 मॉडल वाला है ये। तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर आप मतलब वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं, बट आपको आईपॉड ब्लूटूथ सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है, और उसके फंक्शंस जो भी हैं सारे स्टीयरिंग पे आपको मिलते हैं, स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर ही मिल जाते हैं।
ब्लूटूथ के फंक्शंस, मोड के और वॉल्यूम वगैरह के, एंड यहाँ से आप ट्रिप को भी रीसेट कर सकते हैं, ट्रिप मीटर भी देख सकते हैं यहाँ से। और बाकी सब नॉर्मल है इसका जो मैग्ना के अंदर है। यहाँ पे एसी वेंट आपको मिल जाता है, मैग्ना में भी मिलता है ये और यहाँ भी मिलता है। और एक 12 वोल्ट का चार्जर, ऑक्स, यूएसबी और सारे सेम फंक्शंस हैं। और ये कंपनी फिटेड सीट कवर्स हैं, ये यहाँ पे कपड़े वाले हैं प्लस यहाँ पे लेदर है, तो मतलब पूरी सीट पे साइडों में लेदर है और पीछे बीच में कपड़े का है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, बकेट फिटेड वाली, काफ़ी अच्छी, मतलब फिटिंग अच्छी है इनकी, ठीक है, कंफर्टेबल रहता है बंदा। और इसके अंदर एक अच्छी बात आपको मिल जाती है कि कूल ग्लोव बॉक्स मिलता है आपको, ठीक है, जिसके अंदर कि आप अपनी मतलब पानी पेप्सी वगैरह रख के ठंडा कर सकते हैं। कूल ग्लोव बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि वो चिल्ड करके दे देगा आपको, ठंडी चीज़ रखेंगे तो उसको ठंडा रख लेगा, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं जाती एसी की कि वो वहाँ पे चिल्ड कर देगा, वो उसको ठंडा रख सकता है बस, तो वो उसका फीचर है, वो ये कर देगा। तो ये टोटल स्पोर्ट्स मॉडल है इसका। लेग स्पेस काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है गाड़ियों में, तो वही देखनी है। सो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी 5'10" हाइट है, उसके हिसाब से मैंने सीट सेट करी है, उसी हिसाब से मैं लेग स्पेस चेक करता हूँ गाड़ियों की। तो सीट के होने के बाद सिर्फ मतलब हाथ ऐसे आगे आ ही पा रहा है। तो हैचबैक गाड़ी के हिसाब से इसकी जो मतलब इसकी जो लेग स्पेस है वो ठीक है। अंडर थाइट सपोर्ट इतना नहीं है, बट हैचबैक गाड़ियों में इतना ही होता है, ठीक है, काफ़ी सीट, लेकिन पर पीछे की भी थोड़ी कंफर्टेबल है, अगर दो बंदे बैठ के जाना चाहें मेरी हाइट के तो बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल है बट ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए नहीं है। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि मतलब 100-150 किलोमीटर के अंदर कोई दिक्कत होगी यहाँ पर बैठने में, वो ठीक है, थोड़ा चेंज करते रहें तो उसके हिसाब से ठीक है। बाकी पीछे एसी वेंट की वजह से थोड़ा एक मतलब सहूलियत मिल जाती है कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, ठंडक रहती है। पीछे एक और 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी स्पेस के मामले में आपने देख ही लिया, हेडरेस्ट स्पेस के सारे सीट के साथ ही अटैच्ड है, वो निकलते नहीं है। ये 2016 का मैग्नम मॉडल है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। स्पोर्ट्स में यहाँ पे आपको फीचर्स मिल रहे थे स्टेयरिंग पे, वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ट्रिप मीटर है और रीसेट करने का ऑप्शन है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, वही एसी वेंट आपको मिल रहे हैं। जो स्टीरियो उसके अंदर मिल रहा था कंपनी फिटेड टच स्क्रीन वाला, वो नहीं मिलता आपको, वो स्पोर्ट्स में ही मिलता है सिर्फ, मैग्ना के अंदर आपको ये यहाँ पे खाली स्पेस मिलती है। तो उससे आप देख सकते हैं ये डबल डिन वाला, आप बाहर से चाहे नॉर्मल स्टीरियो लगवाना चाहें नॉर्मल लगवा सकते हैं, अगर आप मतलब ये स्क्रीन वाला स्टीरियो लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं, इतनी बड़ी स्पेस आपको खाली मिलती है जिसके अंदर आप लगवा सकते हैं। उसके अंदर आपको इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें थोड़ी छोटी स्क्रीन है और वो कम स्पेस दिखती है। तो बाकी सारे फीचर्स के मामले में ये बिल्कुल सेम है उसकी तरह, साथ ड्यूल टोन इंटीरियर्स इसके अंदर भी हैं और सेम सीट कवर्स हैं जो स्पोर्ट्स में आपको मिलते हैं, सेम इसके अंदर मिलते हैं। ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो गियर लीवर है उसके अंदर क्रोम फिनिश है, आपको स्पोर्ट्स के अंदर क्रोम फिनिश मिलेगी, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये फ़र्क है एक। और कूल ग्लोव बॉक्स नहीं है इसके अंदर, ये फ़र्क है। बाकी आपको नॉर्मली जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको नॉर्मली फीचर्स इसके अंदर मिलेंगे और लगभग सेम है सारे फीचर्स। ये जो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एयर डक्ट्स हैं, ये 2017 मॉडल के अंदर आए थे ग्रैंड आई10 के, और ये एयर डक्ट्स इसलिए हैं कि ये यहाँ से हवा अंदर लेते हैं और पीछे से निकलती है वो हवा, वो टायर्स के ऊपर से होती हुई, जिससे कि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है रोड पे वो अच्छी बनी रहती है और गाड़ी ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा आपको हाई स्पीड पे भी कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी के अंदर, ये इसका फ़ायदा है। सो ग्रैंड आई10 के अंदर सेम वही 1.2 लीटर का इंजन आता है, पेट्रोल, दोनों पेट्रोल हैं ये, ठीक है। तो ये पेट्रोल के अंदर दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर सिटी के अंदर ये आपको 12-13 की एवरेज देती है, ये फिलहाल जो चलाता है इसे 12-13 की एवरेज उसको मिलती रहती है ये पेट्रोल के अंदर। ये पेट्रोल प्लस सीएनजी है, तो पेट्रोल के अंदर एवरेज तो सेम ही है लेकिन पर ज़्यादातर वो सीएनजी पे ही चलाता है। तो सीएनजी के होने का ये फ़ायदा है कि 150 किलोमीटर उसने दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर 9 kg के सिलेंडर से चलाई, और अगर हाईवे पे चलेगी तो और भी ज़्यादा इसके अंदर एवरेज निकल के आएगी सीएनजी से। ये सिर्फ सीएनजी का था 150 किलोमीटर, अदरवाइज सिटी के अंदर पेट्रोल से वही 12-13 की एवरेज मिलती है इससे, और कंपनी क्लेम करती है 19.7 कंपनी क्लेम कर रही है।
तो उसके बाद 12-13 ही मिलेगी, थोड़ी बहुत अगर हाईवे पे चले जाएंगे तो 15 मिलेगी, यही फ़र्क आता है बस। तो ये था ओवरऑल ग्रैंड i10 के बारे में, इसका A to Z कि क्या ग्रैंड i10 के अंदर है और क्या सब कुछ है। हमने कोशिश करी 2016 और 2017 मॉडल्स को लाने की, यही हम दूसरी गाड़ियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कंपेयर करके दिखाएं क्या फ़र्क है और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, वो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी वीडियोज़ और दिखती रहेंगी आपको, लेटेस्ट गाड़ियों की भी मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। ड्राइव सेफ, ओबे ट्रैफिक रूल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपना ध्यान रखना। नमस्ते, जय हिंद।